हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विन आई एस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2021 का प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर, उसका पार्ट ए, और समझेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, अगर कुछ पूछा गया है तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। यह वीडियो 2021 मेंस देने वालों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही जो लोग 2022 का मेंस लिखेंगे, क्योंकि 2022 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है तो बहुत क्लियर है कौन से लोग 22 का रिजल्ट मेंस लिखेंगे और कौन नहीं लिखेगा, और साथ ही जो लोग 23 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये समझना कि 3 मार्कस, 5 मार्कस, 11 मार्कस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ना, और उसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रश्न पत्र में, वो पूछा गया है कौमुदी महोत्सव। वैसे ये हमारे टेस्ट सीरीज में 2 या 3 बार पूछ चुके हैं हम ऑलरेडी, तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया होगा उनको अच्छे से इसका मॉडल आंसर भी उनके पास था। पहला प्रश्न पूछा गया था कौमुदी महोत्सव। अंग्रेजी में भी हम लोग साथ साथ चलते लिखते चलेंगे ताकि दोनों मीडियम के लिए यूजफुल हो। नाम से क्लियर है कि महोत्सव है, तो एक पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला उत्सव, जब आप इसको आयोग की कॉपी में लिखेंगे तो सिर्फ ये एक लाइन में आ जाएगा। और कौमुदी महोत्सव नाम से एक संस्कृत का नाटक भी है, तो वो भी लिखना है। एक संस्कृत नाटक जिसकी लेखिका विजयिका, अगर आप जिसकी नहीं लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा, नाटक लेखिका विजयिका या विजय भट्टारिका, विजयिका ये कर्नाटक की रानी थी यानी कि मॉडर्न कर्नाटक, विजयिका या विजय भट्टारिका को माना जाता है। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसी संबंधित, मगध के राजकुमार या शासक कल्याण वर्मन के जीवन पर आधारित अंग्रेजी में लिख सकते हैं अ महोत्सव और अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन एंशियंट इंडिया ऑन न्यू मून, सॉरी फुल मून ऑफ, नॉट न्यू मून, फुल मून ऑफ कार्तिक मंथ, कार्तिक मंथ इज हिंदी नेम, ऑल्सो इट इज अ संस्कृत ड्रामा विच इज बिलीव टू बी रिटन बाय विजयिका द क्वीन ऑफ कर्नाट, एंड दिस प्ले और ड्रामा इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कल्याण वर्मन, प्रिंस ऑफ मगध और रूलर ऑफ मगध। तो ये 3 पॉइंट सफिशियंट है लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सूत्राध्यक्ष 1.2, सूत्राध्यक्ष सबसे बन गया होगा ये प्रश्न। मौर्य प्रशासन से संबंधित है, मौर्य प्रशासनिक अधिकारी, तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजी में
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड. इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सोर्स यानी कि स्रोत, सोर्स है कौटिल्य का अर्थशास्त्र. कौटिल्यास अर्थशास्त्र. थर्ड, ही वॉज लाइक अ टेक्सटाइल कमिश्नर, यानी कि वस्त्र उद्योग का वो अधिकारी था. उसके अंदर या उसके दायरे में कताई बुनाई वस्त्र का निर्माण आता था, उसकी देखरेख और नियमों का पालन करवाना उसकी जिम्मेदारी थी. तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह वस्त्र उद्योग से संबंधित अधिकारी था, जिसके अंतर्गत कताई बुनाई आदि कार्यों का निरीक्षण करना, उससे संबंधित नियमों का पालन करवाना. तो ये तीन पॉइंट सफिशियंट हैं जो सूत्राध्यक्ष के बारे में जानकारी देते हैं. ही वॉज इन चार्ज ऑफ वीविंग टेक्सट, ही वॉज लाइक अ टेक्सटाइल कमिश्नर. तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है 1.3, दैट इज श्री हर्ष सीयक अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये हर्षवर्धन नहीं है. श्री हर्ष, अगर इसको कभी सीयक हर्ष भी करके पूछा जा सकता है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है. और ये परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के शासक, रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी. शासनकाल यानी जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे रेन, माना जाता है 948 एडी टू 972 एडी. ये दूसरा पॉइंट हो गया. और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं पद्मगुप्त के नव सहसांक चरित के अनुसार हूणों को पराजित किया या हराया. अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू पद्मगुप्ताज नव सहसांक चरिता ही डिफीटेड हूंस. ये तीन पॉइंट इस प्रश्न के लिए पर्याप्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1.4. ख्वाजा ताश
ख्वाजा ताश। ये थोड़ा सा अलग तरह का शब्द हम लोग सुनने में आ रहा है, शायद ही कभी आपने पढ़ा होगा। तो यह एक प्रकार का दासों का, स्लेव्स का एक ग्रुप था जो एक ही व्यक्ति को अपना स्वामी मानता था। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ स्लेव्स बेसिकली हु कंसिडर्ड वन पर्सन एज देयर मास्टर। तो सिंपली इसका जो शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि मध्यकाल में एक प्रकार के दास जो एक ही व्यक्ति को अपना स्वामी मानते थे। तो एक प्रकार का इट वॉज अ ग्रुप ऑफ स्लेव्स हु कंसिडर्ड अ सिंगल पर्सन देयर मास्टर। एक पॉइंट चाहें तो और लिख सकते हैं, इल्तुतमिस ने जो चालीसा का गठन किया था, ग्रुप ऑफ 40, वो इन्हीं ख्वाज ताश में से ही उसने चुना था लोगों को जो उसके बड़े ही विश्वस्त पात्र लोग थे। तो चालीसा का गठन भी ख्वाज ताश में से के समूह से ही किया गया था। और एक, चूंकि इसमें लिखा नहीं कि ख्वाज ताश है क्या, तो एक ख्वाज ताश के बारे में हम लोग और पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में ख्वाज ताश नामक मंगोल नायक के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था और उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। चूंकि लिखा नहीं है तो थर्ड पॉइंट बना करके आप उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम दिया गया ख्वाजा ताश है ना, तो वो भी हो सकता है। तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, इल्तुतमिस ने इसी समूह से चालीसा का गठन किया। ठीक, तो ये एक समूह भी था और एक व्यक्ति का नाम भी था जिसके कमांडशिप में, जिसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1304 में भारत पर आक्रमण किया था। तो उसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है कि क्या है। वैसे भी पीएससी को तो आदत है दो दो उत्तर मानने की, वो इस तरह की चीज़ें लिख देता है प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चांद बीबी, आई थिंक 1.4 है ये चौथा प्रश्न। चांद बीबी मुस्लिम योद्धा शासिका, दोनों बातें लिख सकते हैं, दक्षिण भारत की, पहला पॉइंट दक्षिण भारत की मुस्लिम योद्धा। 1580 AD से 1590 AD तक बीजापुर की संरक्षिका, यानी शी वॉज रेजेंट ऑफ बीजापुर फ्रॉम 1580 टू 1590। और अहमदनगर की संरक्षिका। अब इनकी कहानी है आप सब जानते हैं, उतना जगह हमारे पास नहीं है कि हम लोग लिख पाएँ कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, किससे संबंधित थी, तो हमें बहुत ब्रीफ में इनके बारे में बताना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट, मुगलों से अहमदनगर की सुरक्षा,
कि अकबर ने सेना भेजा था और एक कूटनीति और शौर्य दोनों का परिचय देते हुए उन्होंने मुगलों से अहमदनगर की सुरक्षा की थी, इसके लिए वो फेमस हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में पूछा जाता है तो प्रॉपर इसमें 11 नंबर का भी क्वेश्चन आए तो लिखा जा सकता है चांद बीबी के ऊपर जो रोल प्ले किया उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है 1.6 पे हम लोग पहुंच गए हैं। अमीनी आयोग, अमीनी आयोग या अमीनी कमीशन भी इसको लिख सकते हैं, 1776 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गठित, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1776। पर्पज क्या था, यानी उद्देश्य था भारतीय राजस्व संसाधनों का सर्वेक्षण करना। क्योंकि जो व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी 1772 में, 4 साल के लिए उनके लिए जो लगाया गया था, 1776 में वो ख़त्म हो रहा था। जो व्यवस्था 1772 से लागू थी वो 1776 में ख़त्म होने वाली थी और 1777 से एक नए व्यवस्था के बारे में वो सोच रहे थे। तो वो चाहते थे कि इसके बारे में प्रॉपर एक आइडिया लग जाए कि अग्रेरियन सिस्टम किस तरह से काम करता है, किसानों का आंदोलन ना हो और आसानी से उनको राजस्व मिलता रहे, इससे संबंधित वो सर्वेक्षण करें। बेसिकली इट वॉज अ रेवेन्यू कमीशन। और लिखना अगर आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, यह 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्य थे, 3 सदस्यीय आयोग, 3-member कमीशन। अगर आपको याद है तो आप नाम लिख सकते हैं, है ना, डेविड एंडरसन, दूसरे थे जॉर्ज बोगले और इसमें ये दोनों जो थे ये कविनांट सर्विसेज हुआ करती थी जो बाद में सिविल सर्विसेज के रूप में कन्वर्ट हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे 2 तरह के अधिकारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक होता था कविनांट और दूसरा होता था नॉन कविनांट। तो दो जो जॉर्ज डेविड एंडरसन और जॉर्ज बोगले थे कविनांट अधिकारी थे और तीसरे जो थे वो भारतीय दीवान थे, उनका नाम था गंगा गोविंद सिंह, गंगा गोविंद सिंह। तो ये 3 प्रमुख चीज़ें आप लिख सकते हैं, 3 लाइन में सफिशियंट है। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इनका नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, उद्देश्य और किसने गठित किया था कब किया था इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 1.7 बकास्ता, का शाब्दिक अर्थ होता है सेल्फ कल्टीवेटेड, यानी निजी भूमि, यह एक प्रकार की क्या थी, भूमि थी, एक प्रकार की भूमि मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश काल में
ब्रैकेट में चाहें तो ब्रिटिश काल लिख सकते हैं। जिस पर काश्तकार या किसान खेती करते थे और उन्हें उस पर लगान देना होता था। 1937-38 में एक मूवमेंट भी हुआ था बिहार में, जिसको कहा जाता है बकास्ता आंदोलन। उसके लीडर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्यों हुआ ये आंदोलन? क्योंकि जमींदारों ने, जब काश्तकारों ने उनको लगान पे नहीं किया, क्योंकि जमींदारों की जिम्मेदारी होती थी लगान वसूल करके अंग्रेजों को जमा कराने की, तो नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू जब होता था तो काश्तकारों से उनकी ज़मीन उन्होंने छीन ली। कौन सी ज़मीन? बकास्ता ज़मीन, बकास्ता लैंड। और उसी के विरोध में, जमींदारी प्रथा के विरोध में बकास्ता मूवमेंट हुआ बिहार में 1937-1938। तो एक प्रकार की भूमि जिसके मालिक, चाहे तो जोड़ लें आप, जिसके मालिक रैयत या काश्तकार होते थे। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, 1937 में बकास्ता भूमि पर जमींदारों द्वारा कब्जा करने पर आंदोलन हुआ, करने पर बिहार में आंदोलन हुआ। और तीसरा, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद। द लीडर वॉज स्वामी सहजानंद। इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट वॉज अ टाइप ऑफ लैंड विच मीन्स सेल्फ कल्टिवेटेड। इट मीन्स सेल्फ कल्टिवेटेड। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हृदयनाथ कुंजरू 1.8। हृदयनाथ कुंजरू बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संविधान सभा के सदस्य, पहला पॉइंट हो जाएगा। अ फेमस फ्रीडम फाइटर एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं लिख नहीं रहा हूं अंग्रेजी में, लेकिन बोल रहा हूं, समझ पाएंगे आप। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, छप्पन के राज्य पुनर्गठन आयोग, के सदस्य, ही वॉज मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और एक पॉइंट, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रहे वो, यूजीसी के मेंबर भी रहे 1955 से 62 तक, और उन्होंने भारत रत्न भी लेने से मना कर दिया था। बट एक पॉइंट जो मुझे लगता है लिखना चाहिए, 1948 में उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, कुंजरू समिति कहलाती है वो समिति, और उसी समिति की सिफारिश पर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉप्स की स्थापना की गई। तो वो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, उसे लिखना चाहिए मुझे लगता है। कुंजरू, या नाम पूरा लिख दीजिए हृदयनाथ, या चाहें तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इनकी अध्यक्षता
वाली समिति की सिफारिश पर आई थिंक इट इज 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई। एनसीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1948 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कुंजरू कमेटी। सो दीज थ्री आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हृदयनाथ कुंजरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.9 दैट इज भारतीय स्वतंत्रता बिल। भारतीय स्वतंत्रता बिल या विधेयक, इसको अंग्रेजी में भी लिखा गया है भारतीय स्वतंत्रता बिल, इसको इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी कहा जाता है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया को सम्राट की स्वीकृति मिली। यानी ये विधेयक से क्या बन गया, अधिनियम बन गया। यह माउंटबेटन योजना पर आधारित था। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं भारत एवं पाकिस्तान नामक दो राज्यों, दो राष्ट्रों का प्रावधान था इसमें, यानी भारत के विभाजन का प्रस्ताव था इसमें। ठीक, तो ये हो गए अपने 1.9, 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज कर्मवीर 1.10, दैट इज कर्मवीर। माधवराव सप्रे की प्रेरणा से 1920 में जबलपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका, इट वॉज अ वीकली मैगजीन पब्लिश्ड फ्रॉम जबलपुर सिंस 1920, फर्स्ट संपादक या प्रथम संपादक हम लोग लिख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और वही इसके संपादक रहे। एक महत्वपूर्ण कार्य किया था इस पत्रिका ने, सागर के गौकसी आंदोलन को प्रेरित किया। चलिए, ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिया है।
कर्मवीर के बारे में 10-3 बातें हम लोगों ने समझ ली हैं। साप्ताहिक पत्रिका थे जिसका प्रकाशन 1920 से शुरू हुआ, कहाँ से, जबलपुर से। प्रथम संपादक जो थे इसके माखनलाल चतुर्वेदी थे, और इसने सागर के गौकुसी आंदोलन जिसको हम रतौना आंदोलन भी बोलते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी पत्रिका के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने गौकुसी के विरोध में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और पूरे भारत में गौकुसी के विरोध एक जन आंदोलन शुरू हो गया, जन विचार सामने आया और अंग्रेज़ों को अपना विचार बदलना पड़ा था और यहाँ पे गौकुसी जो है नहीं शुरू हो पाई। अगला प्रश्न पूछा गया है माचा या माच, ये प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में हमारे कई बार आ चुका है, जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता है। मालवा का एवं मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, एवं मध्य प्रदेश का लोक नाट्य। फोक थिएटर ऑफ मालवा एंड एमपी। अब फोक थिएटर है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ये बेसिकली इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, यानी कि वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें यूज होता है सारंगी, ढोलक, हारमोनियम, अंग्रेजी में भी एज इट इज लिख सकते हैं। थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं इसे कोई पायनियर आर्टिस्ट यानी अग्रणी कोई कलाकार जिनके बारे में आप जानते हो, तो एक नाम मुझे याद आ रहा है बाल मुकुंद गुरु का, तो आप लिख लीजिए अग्रणी कलाकार या फेमस कलाकार। बाल मुकुंद गुरु, ये 3 पॉइंट माच या माचा से संबंधित। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है बरमान का मेला तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर नरसिंहपुर जिले में परमान नामक स्थान पर। कब होता है, जनवरी के महीने में तेरह दिनों तक चलता है, इट लास्ट फॉर 13 डेज। और सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है मकर संक्रांति का दिन, यानी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण एन इम्पोर्टेंट डे इज मकर संक्रांति। इस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयजाक भुक्ति, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। जयजाक भुक्ति प्राचीन काल में या मध्यकाल में भी लिख सकते हैं, वैसे प्राचीन और मध्यकाल के बीच का समय था वो। वर्तमान का
बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कहने का तात्पर्य है कि आज का जो बुंदेलखंड है वही जो था मध्यकाल से ठीक पहले यानी कि ड्यूरिंग चंदेलों के टाइम पे लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में उसे जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था और यह नाम दिया गया था जयशक्ति चंदेल शासक का जो एक नाम था जजाक उसने अपने ही नाम पर इस क्षेत्र का नाम रख दिया था जजाक भुक्ति। तो ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इस यहाँ पे चंदेल शासक जय सिंह ब्रैकेट में जजाक के नाम पर आधारित है यह नाम या के नाम पर यह नाम पड़ा। इट इज नेम्ड आफ्टर चंदेला रूलर जय सिंह विच वॉज ऑल्सो हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड जजाक। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख जिले हम लोग कह सकते हैं प्रमुख क्षेत्र या जिले वो है छतरपुर महोबा खजुराहो ये तमाम क्षेत्र इस जजाक भुक्ति के अंतर्गत आते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपको तुकोजी राव तृतीय होलकर जी राव होलकर तृतीय तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं इनका शासनकाल नाम से क्लियर है होलकर हैं तो शासक रहे होंगे है ना। तो 1903 से 1926 तक इंदौर के शासक में राज्य का त्याग कर दिया। एक घटना घटी थी मुंबई में उनसे संबंधित और उसी घटना के एक मर्डर हुआ था अंग्रेजों के दबाव में इनको अपना राजपाट छोड़ना पड़ा और फ्रांस में सेटल होना पड़ा और ये आजीवन फिर फ्रांस में ही रहे। और उनके जीवन पर ही आधारित एक मूवी भी बनी कुलीन कांता चाहो तो आप लिख सकते हो इनके जीवन से प्रेरित फिल्म कुलीन कांता ठीक। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन जो उनसे संबंधित जो है इम्पोर्टेंट है आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं राज्य का त्याग कर दिया और फ्रांस में रहने लगे। फिर प्रश्न पूछा गया लास्ट प्रश्न है दोस्त मोहम्मद खान पहला पॉइंट भोपाल रियासत का संस्थापक ही वॉज फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट। जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर किया एवं उसे अपनी राजधानी बनाई। और थर्ड पॉइंट एक हम लोग लिख सकते हैं
ढाई सीढ़ी की जो मस्जिद का निर्माण है या फतेहगढ़ का जो किला है वो भी दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया। निर्माण कार्य में यानी कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, फतेहगढ़ का किला और ढाई सीढ़ी की मस्जिद या ढाई सीढ़ी मस्जिद। तो ये रहे हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के 3 मार्कर्स। आपने देखा किस तरह से हमें अप्रोच करना होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लिखनी होती है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए हिस्ट्री में का जो ट्रेंड रहा है, 15 में से जो 3 मार्कर हैं 15 के 15 बन जाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1-2 अगर नहीं भी बनते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका स्कोर अच्छा है। इसमें 2 या 3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी अप्रोचेबल थे और बहुत अच्छे से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 5 मार्कर या 11 मार्कर इनमें से किसी एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को छोटा बनाने का उद्देश्य ये है ताकि आप आराम से इसको जल्दी एक बार में देख पाएँ और एक बार में एक तरह की अप्रोच को समझ पाएँ। तीनों तरह का जो पेपर होता है, 3 सेक्शंस होते हैं पेपर में, इन तीनों में अलग अलग तरह की अप्रोच चाहिए होती है, अलग अलग तरह का माइंडसेट चाहिए होता है। तो आप एक एक करके इनको लर्न करें कि कैसे लिखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।